नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको इंडिया हिंदी लैब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेजैप के बारे में, जो कि पेजैप में एक क्रेडिट कार्ड किस तरह से अप्लाई होता है इसके बारे में आप सबको सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मिलता रहे आप सबको नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले पेजैप वॉलेट को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पेजैप वॉलेट में एक नया अपडेट दिया गया है। दोस्तों एक अगर आप सब मोबीक्विक और पेटीएम का अगर सहारा लेते हैं, आप सबको 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अगर किस तरह से कैशबैक मिलता है पेटीएम और मोबीक्विक मिला के, वो वीडियो मैं अलग से आप सबको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आज कहूँ फाइनली पेजैप वॉलेट में, तो जो कि आप पेजैप वॉलेट दोस्तों देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि बहुत पुराना ये मार्केट में अभी नया रहने गया कि बहुत पुराना ये वॉलेट हो चुका है। दोस्तों अगर आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं ऊपर में, जो हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ इस पर इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप लोग को ढेर सारा ऑप्शन इसमें मिल देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए फाइनली जो आपको HDFC क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन पर आपको क्लिक कर देना। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, दोस्तों अगर आप ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके रखे हैं तो आपको इस ट्रैक पे आप कर सकते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन डिटेल्स देख सकते हैं। इसके लिए आपको अभी अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देने का है। चलो मैं क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दिया। दोस्तों जैसे आप क्रेडिट कार्ड क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वेटिंग चलेगा। चलो वेट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप वेट किए तो आपके सामने कुछ इस पर इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप जिस मोबाइल नंबर से आपका पेजैप वॉलेट चालू रहेगा आपको वो मोबाइल नंबर इधर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इधर कैप्चर इधर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन का फॉलो करते हुए आपको प्रोसेस कर देना है। चलो मैं इधर कैप्चर डाल देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं कैप्चर डाल चुका हूँ। दोस्तों उसके बाद हमको टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। चलो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना। चलो मैं प्रोसेस पे क्लिक कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद हमको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको देखेंगे, फर्स्ट पेज आपको आएगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन व्हाट योर नेम, आपको इसमें आपका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आप पेजैप वॉलेट जो जिस नाम से चलाते रहेंगे तो वो आपका नाम ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। दोस्तों से सेलेक्ट पे आएंगे तो इसमें से आप इसमें से जो लगाते हैं डॉक्टर कूल MS मिस्टर, जिसमें इसमें जो भी आप इसमें से लगाते हैं इसमें से चॉइस कर सकते हैं। तो चलो इसमें से मैं मिस्टर लगाता हूँ, मिस्टर पर मैं क्लिक कर दिया। और दोस्तों इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। चलो मैं इस पर क्लिक कर दिया नेक्स्ट पे। दोस्तों इसके बाद आपको सामने इसमें से जनरल में आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। चलो मैं जनरल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको कुछ सिटी के नाम दिया जाएगा, जो कि आप जो सिटी में रहेंगे अवेलेबल आपको सिटी का नाम इसमें कुछ देखने को मिल जाएगा, या अदर आप हैं इसमें से अगर आपका कोई सिटी नहीं है तो इसमें अदर में आकर आप इधर नाम सर्च कर सकते हैं। चलो मैं इसमें से सिटी एक चॉइस कर लेता हूं। तो दोस्तों फाइनली जब मैं एक सिटी चॉइस कर लिया हूं, दोस्तों इधर आप देखेंगे सिटी का नाम आ चुका है। दोस्तों इसके बाद हमको इधर आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस पर इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको चॉइस करना पड़ेगा। अगर सैलरी पे अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, या अगर खुद का कोई बिजनेस है आपको सेल्फ पे आ जाना है। चलो मैं सैलरी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ जाना है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको एम्प्लॉय का नाम इधर फिल करना पड़ेगा। चलो मैं इधर नाम डाल देते हैं। दोस्तों मैं नाम डाल चुका हूँ। दोस्तों उसके बाद हमको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो जैसे मैं आगे बढ़ा तो दोस्तों हमको अभी बताया जा रहा है कि मंथली सैलरी कितना है। चलो मैं इधर मंथली सैलरी इधर डाल देता हूँ। दोस्तों मंथली सैलरी में डाल दिया हूँ। उसके बाद हमको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे मैं बढ़ने के बाद मैं बता दिया कि डू यू वेंट HDFC बैंक अकाउंट। अगर आपके पास HDFC बैंक अकाउंट है तो आपको येस करना है। अगर नहीं है तो नॉन सैलरी अकाउंट है आप इसमें, या अगर आपके पास हाई ही नहीं तो आपको नीचे वाला पे क्लिक कर सकते हैं। चलो मैं नीचे वाले पे क्लिक कर दूँ क्योंकि हमारे पास HDFC का अकाउंट नहीं है। चलो मैं इस पर क्लिक कर दिया। दोस्तों उसके बाद आप इधर देखेंगे कुछ अलग से इंटरफेस दिखाया जा रहा है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जिधर रह रहे हैं उधर का आपका कंपनी प्रोवाइड कर रहा है रूम, या खुद से आप हॉस्टल में रह रहे हैं, किधर आप रह रहे हैं इसमें आपको चॉइस कर लेना है। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। दोस्तों जैसे मैं अपना एड्रेस चॉइस कर लिया, दोस्तों इसके बाद हमको फिर से एक कैप्चर का ऑप्शन दिया जाता है। चलो आपको ये कैप्चर इसमें डाल देने का है। चलो मैं इसमें डाल देता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली मैं कैप्चा डाल चुका हूं दोस्तों, इसके बाद हमको प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों फाइनली जो मैं प्रोसेस पे भी क्लिक कर चुका हूं, तो अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं जो कि हमारे सामने कुछ अलग सा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों फाइनली आप देखेंगे हमारे सामने कुछ इस पर इंटरफेस आएगा, जिसमें हमको हाई धर्मेंद्र कंचुलेशन, हमको द डिटेल्स यू कैन सेलेक्टेड एनी वन ऑफ द कार्ड, आप हमको हमारे सामने कुछ इस पर इंटरफेस आएगा, जिसमें आप नीचे आप देखेंगे इजी कार्ड आपको अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना। चलो मैं इस फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट अब इसमें से जो कार्ड आप लेना चाहते हैं, इसमें से आप बहुत सारा इधर कार्ड आपको शो हो जाएगा, जो भी कार्ड इसमें से लेना चाहते हैं तो आप इधर से आप आगे पीछे करके जो भी कार्ड चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई कर देना है क्या है। चलो मैं इसमें से HDFC का स्नैपल ये वाला कार्ड मैं इसमें सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, उसके बाद हमको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। चलो मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, मैं फाइनली इस पिक्चर पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों हमको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हमको पूछा जा रहा है, इधर आप देख पाएंगे या पढ़ सकते हैं, यू हैव सेलेक्टेड, कंफर्म करना है या कैंसिल करना है, आपको कार्ड लेने का है या नहीं लेने का है। अगर नहीं लेने का तो आप कैंसिल कर दिएगा, लेने का है तो यस कर दीजिए, कंफर्म पर क्लिक कर देना। चलो मैं इधर कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो मैं कंफर्म पर क्लिक कर चुका हूँ, तो दोस्तों अभी हमारे सामने कुछ लोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। चलो लोड इसको होने देते हैं, देखते हैं इससे आगे हमको क्या मांगा जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो है अभी मेरा हर कुछ मेरा फिल इधर हो चुका है, इधर आप देख पाएंगे मेरा कार्ड जो है ऑलरेडी हमको शो हो रहा है। उसका दोस्तों हमको नीचे की तरफ हमको मांगा जा रहा है, जो कि हमको इधर ये सब हमको फिर से फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपका नेशनल कौन सा है, ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, उसका आपको उसके बाद आपका नाम ऑलरेडी इधर आया हुआ है कार्ड के ऊपर, कौन सा नाम आएगा ये कार्ड के ऊपर ये नाम आपका आएगा। उसका दोस्तों आपके पास अगर STD कोई फ़ोन है या अगर आप तो इसे डाल सकते हैं, उसके मैरिड अनमैरिड क्या है उसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आप मैं बता दूं कि दोस्तों ये फैसिलिटी आपको इंडिया में है, अगर आप इंडिया में हैं तो ही आपको ये कार्ड मिलने वाला है, अगर अदर देश अदर कंट्री के हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन के लिए ही प्रोवाइड किया गया है ये दोस्तों इसमें से फिर आपको यस पे क्लिक कर देना है, इसके बाद कंफर्म डिटेल्स पे यस कर देना है, उसके बाद दोस्तों फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। चलो हम ये सब फ्लिप कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं सब कुछ इधर फ्लिप कर चुका हूँ दोस्तों, उसके बाद हमको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो मैं कंफर्म पे क्लिक कर दिया हूँ। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इधर देखें प्लीज प्रोवाइड फोन नंबर हमको बोला जा रहा है। चलो फोन नंबर इधर दोस्तों फोन नंबर डाल चुका हूँ, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू पे क्लिक किया हूँ। तो आप लोग इस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको STD नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू करेंगे तो आपके फाइनली जो ये मोबाइल ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जो कि वर्किंग 7 डेज में आपके एड्रेस पे डिस्पैच हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इंडियन रहेंगे तो ही आपका इंडियन में ये एप्लीकेशन काम कर रहा है, इंडिया में ही फिलहाल ये एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो आप सबको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।